तो भाई आज सिंपल वन की तरफ से दो अपडेट है आ चुकी है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पर पहली अपडेट ये है कि भाई उनके जो अक्टूबर गया है, अक्टूबर मंथ में कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं पर दूसरी अपडेट एक बहुत बड़ी है जिसमें कंपनी के एम्प्लॉय जो है वो फोन कर रहे हैं जिन्होंने प्री बुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कर रखा है और उनके लिए कह रहे हैं कि भाई आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो प्री बुकिंग है वो रिफंड अमाउंट ले लीजिए। तो इसके लिए बहुत ही पता नहीं क्या कारण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी डिलीवरी की कि कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर इनके अक्टूबर में सेल्स हुए। तो यहाँ पर जैसे ही सेल्स रिपोर्ट आई थी, वैसे एक तारीख को आपको सेल्स रिपोर्ट मिल जाती है, पर लेकिन मैंने उनकी सेल्स रिपोर्ट देखी तो सेल्स रिपोर्ट में उनका सिंपल वन का कहीं पर नाम नहीं था, मतलब एक भी इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर नहीं हुए हैं। यानी कि मैंने और भी सर्च मारा, कई जगह मैंने सर्च मार के देखा, पर लेकिन कहीं पर भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स डिलीवरी नहीं प्राप्त हुई। तो यानी कि उन्होंने अक्टूबर में भी उन्होंने जीरो डिलीवरी की गई है, वहीं पर अक्टूबर के बाद में नवंबर में अभी तक कोई सेल्स रिपोर्ट नहीं आई है, तो वही रिपोर्ट है तो वो जीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स किए हैं। और वहीं पर उनके दूसरे अपडेट की बात करें तो जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, सिंपल एनर्जी के कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो कॉल कर रहे हैं आप सभी लोगों को जिन्होंने प्री बुकिंग कर रखा है इलेक्ट्रिक स्कूटर और उसको कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। और कैंसिल करने की बात कर रहे हैं तो क्यों कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अभी जो ऑनलाइन का सिस्टम है बहुत ही ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, उस फ्रॉड में बहुत सारे लोगों के साथ में स्कैम भी हो चुका है, तो हम आपको पैन इंडिया डिलीवरी कराएंगे। पैन इंडिया डिलीवरी की बात उन्होंने कही है, पर लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पैन इंडिया डिलीवरी तो कराएंगे पर लेकिन पहले हम अपने शोरूम खोलने वाले हैं। वो शोरूम खोलने की बात की गई है, उन्होंने तीन जगह शोरूम का नाम बताया। उन्होंने कहा कि भाई पहला हम बेंगलुरु में अपने एक शोरूम खोलने वाले हैं, वहीं पर उन्होंने चेन्नई में बताया और तीसरा उन्होंने हैदराबाद में बताया। इन्हीं जगह पर वो मेजर सिटी है उनमें अपना शोरूम खोलने वाले हैं। कब तक खोल पाएंगे ये अभी तक नहीं कहा है, पर उन्होंने कहा कि वो फरवरी 2024 में वो अपने शोरूम जो है ओपन कर देंगे, तीन जगह पर शोरूम ओपन कर देंगे और वहीं पर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो आपकी आरडी आपने प्री बुकिंग कर रखा है वहीं पर आप जो है आरडी लेके जाइए, पर लेकिन आप रिफंड अमाउंट ले लीजिए, पर लेकिन आपके पास जो आरडी होगी नंबर आरडी होगी वो आप एक्सोरूम में जाइए और वहां पर जाके विजिट कीजिए और फिर उसके बाद में जो फीस अमाउंट है जितना भी अमाउंट है वो आप जमा कीजिए और फिर उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये उन्होंने बात कही है, पर लेकिन इसीलिए वो शायद प्री बुकिंग के लिए मना कर रहे हैं कि भाई आप प्री बुकिंग का अमाउंट है वो ले लीजिए क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है और भाई कंपनी का जो कंपनी के लिए अगले महीने एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट प्राप्त होने वाला है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है कि भाई नेक्स्ट मंथ वो इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, जैसे ही उन्हें मिल जाएगा हम आपको वीडियो में बता देंगे, पर लेकिन जब आपको एक्सोरूम खुल जाएगा तो शोरूम और भाई जब तीन जगह शोरूम खुल जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्योंकि आप फिजिकली टच करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर को, उसको टेस्ट राइड लेंगे, सारी जानकारी लेंगे और फिर आप फिजिकली अपना अमाउंट जमा करेंगे, तो आपको कोई भी स्कैम का किसी का भी डर नहीं रहेगा और डर नहीं रहने के कारण आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके जो कम पैसा है वो कंपनी के लिए पहुंच जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके पास में पहुंच जाएगा, यानी कि स्कैम का कोई भी डर नहीं रहेगा जब एक्सोरूम खुल जाएगा तब। और भाई उन्होंने कहा कि भाई एक्सोरूम फरवरी में खुलने वाले हैं तो आपको बेंगलोर में, चेन्नई में और फिर हैदराबाद में ये एक्सोरूम देखने को मिलेंगे और फिर उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल तक वो है मेजर सिटी में, जहां तक आपको दिल्ली है और बड़ी बड़ी मुंबई है, बड़े बड़े जो सिटी हैं उनमें सब में खुलने वाले हैं, पर लेकिन उन्होंने के लिए जब इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा तो नेक्स्ट मंथ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा तो ये सारे काम जल्दी ही होना स्टार्ट कर। यदि इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग की कैंसिल के लिए यदि आपके पास में कॉल आई हो तो प्लीज़ यार मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और भाई आपको भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, आपको सभी को डेडिकेटेड एक वीडियो बनाए देंगे और उसमें किस प्रकार का आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल द बेस्ट।